जय सच। राम को गए हजारों साल हो गए, अब तो उसका पीछा छोड़ दो, उसे चैन से रहने दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो। मंदिर बना के क्या दिखाना चाहते हो? ये दिखाना चाहते हो कि कितने पागल हो तुम राम के लिए, जो कभी इस धरती पे एक इंसान के रूप में तुम्हारी ही तरह आया था और चला गया। वो तो चला ही गया है और तुम भी ऐसे ही चले जाओगे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया सत्य पे, जो जरूरी है उस पे। राम के पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। इतने दीवाने हो राम के तो उसकी खूबियां अपने अंदर उतारो ना, उसकी तरह बनो ना। ये मंदिर वंदिर बनाने का क्या तात्पर्य है, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। ना आज तक मंदिरों से कुछ हुआ है और ना ही आगे होगा। अंधविश्वास जरूर बढ़ता है कि ऊपर कहीं कोई है जो सब चला रहा है और हमारे जैसा ही है। कोई नहीं है ऊपर। ये जो भी तुम देख रहे हो आसपास या इस ब्रह्मांड में, ये एक प्राकृतिक रचना है, कुदरत की रचना है। किसी भगवान नाम के शख्स ने इसको नहीं बनाया। अपनी आंखें खोलो। मंदिरों ने इंसान को हमेशा भटकाया है और उस झूठे भगवान की ओर झुकाए रखा है। जब तक तुम इस झूठ से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गॉड एक पोटेंशियल है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, कोई आदमी या औरत नहीं। यू आर ऑल गॉड्स इन द मेकिंग। तुम सब गॉड हो जो अभी पूरी तरह से गॉड बना नहीं है। भगवान तुम हो, बाहर कोई भगवान नहीं है, वो कभी था ही नहीं, उसे तो तुमने बनाया है। किसी ने कभी उसको देखा नहीं है और उससे मिला भी नहीं है। उसे तुमने अपनी कल्पना से बनाया है, अपनी सुविधा के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। बस इतनी सी कहानी है ये नकली भगवान की। भगवान तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है बनने की। अपने आप को कभी तुमने उस ऊंची नजर से देखा ही नहीं। अपने अंदर तुम कभी झांकते ही नहीं। बस सारी जिम्मेदारी उस नकली भगवान पे डाल देते हो और खुद बच जाते हो। इसलिए तो आज तक कहीं पहुंचे नहीं। भगवान के लिए पागल होके कुछ नहीं मिलने वाला। खुद पे ध्यान दोगे तो सच्चा भगवान जरूर मिल जाएगा। जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि दुनिया के जाल में फंसे नहीं रहते
और अपनी शक्ति जान लेते हो तो भगवान बन जाओगे। जैसे गौतम बुद्ध एक इंसान थे, पर तपस्या से उन्होंने हासिल किया वो सच, वो अमृत, जिससे वो भगवान बन गए। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी क्षमता है भगवान बनने की, पर तुम अभी तक जागे ही नहीं हो। तुम भी एक बुद्ध बन सकते हो, तुम भी एक भगवान बन सकते हो, बुद्ध की तरह। हर इंसान बन सकता है, पर उसके लिए खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा, खुद के अंदर का सफर तय करना होगा, खुद के सच को पाना होगा, सच को अपने भीतर अनुभव करना होगा, अपनी क्षमता और काबिलियत को देखना होगा। जो भी समाज ने या धर्मों ने तुमको सिखाया है या बताया है, वो सब भूलना होगा, वो सब कचरा है, वो अंदर से निकाल के फेंकना होगा और दर्पण की तरह खुद में झांकना होगा। तब समझोगे तुम क्या हो। जब तक ये नहीं समझते, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। भगवान नाम की गीत गाते रह जाओगे जिंदगी भर और चले जाओगे इस दुनिया से। भगवान बनने का रास्ता तुम्हारे भीतर है। तुम खुद को भगवान से कम क्यों समझते हो? तुम्हारे अंदर ताकत है एक नया जीवन देने की और इंसान तक पैदा करने की। जीवन भर तुम खुद को चलाते हो और जिंदा रखते हो, अपने लिए इतना कुछ करते हो, अपनी पालना करते हो और दूसरों को भी पालते हो, इतने लोगों को पालते हो, इतने जानवरों को पालते हो, मरते हुए को जीवन देते हो, चांद पर चले गए, मंगल पर चले गए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, जहाज बना दिया और क्या से क्या चमत्कार किए हैं। अपने आप को भगवान से कम क्यों समझते हो? अपनी ताकत को समझते क्यों नहीं? तुम क्या भगवान से कम हो? इंसानों को भी जन्म देने की शक्ति है तुम्हारे अंदर। कितना कुछ बनाने की शक्ति है तुम में। इस रचनात्मक शक्ति को ही तो तुम भगवान कहते हो, तो ये तो तुम्हारे अंदर भी है ये शक्ति। तो फिर खुद को भगवान समझने में क्यों शर्माते हो, क्यों घबराते हो? दुनिया का हर इंसान बन सकता है भगवान। सब में क्षमता है भगवान बनने की। खुद को कभी इस नजर से देखा ही तो नहीं है तुमने। खुद को नालायक समझते हो क्या? अपनी अहमियत को नहीं समझ पाए आज तक। जब तुम बुद्ध की तरह उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि इस दुनिया के सभी चक्करों में से मुक्त हो जाओगे, तो भगवान बन जाओगे।
अभी तो एक छोटी सी बात तुम्हें परेशान कर देती है। कुछ तुम्हारे हिसाब से ना हो तो तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। जब तुम खुद में इतने मगन हो जाओगे और सभी चक्रों से ऊपर उठ जाओगे तो भगवान बन जाओगे। जैसे कमल का फूल कचरे में रहता है पर हमेशा कचरे से ऊपर होकर खिला रहता है, वैसे ही तुम जब संसार के झमेलों में रहकर उससे प्रभावित होना बंद हो जाओगे और उससे उमड़ कर खिले रहोगे हर वक्त, तो तुम भी भगवान बन जाओगे। यही सच है। सिर्फ राम ही भगवान नहीं, तुम भी हो। अपने अंदर का सफर शुरू करो, बाहर ध्यान देना बंद करो, राम और श्याम के पीछे पड़ना बंद करो, सच के पीछे पड़ो और खुद से ऊपर कुछ भी नहीं है। जय सच।